अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ चिकन नूडल्स रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने बोनलेस चिकन लिया है, ये 700 ग्राम बोनलेस चिकन है। इसमें अब हम काली मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून और मैदा 1 टेबलस्पून इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक पैन में ऑयल ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। इसके बाद हम मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे, इसे अच्छे से कुक करेंगे। देखिए यहाँ पर नूडल्स के लिए हमने एक भगोने में पानी ऐड किया है, उसमें ऑयल भी ऐड कर दिया है। चिकन यहाँ पर कम्प्लीटली कुक हो चुका है, अब हम इसे निकाल देंगे। यहाँ पर एक कटोरे में हमने 3 एग्स लिए हैं, इसमें ब्लैक पेपर और नमक भी ऐड किया है हमने। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। वही पैन में हम एग को भी फ्राई करेंगे जिसमें हमने चिकन फ्राई किया था। देखिए एग्स भी फ्राई हो चुके हैं, इसे भी निकाल लेंगे हम प्लेट में। ये नूडल्स है, ये 2 है नूडल्स। अब हम पानी में नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। पानी में अच्छे से बॉईल आ गया है, अब हम इसमें नूडल्स ऐड कर देंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हाई फ्लेम पर हम कुक करेंगे। 90% कुक होना है नूडल्स को। देखिए नूडल्स कुक हो गए हैं, अब हम इसे ठंडे पानी से वॉश करके साइड में रख देंगे। यहाँ पर वेजिटेबल्स में हमने कैबेज 1 बॉल, ओनियन 2 मीडियम साइज़ के, कैरेट 1/2 बॉल और कैप्सिकम 1 बॉल। अब एक अलग से भगोने में, बड़े से भगोने में हम 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। इसके बाद एक मीडियम साइज़ की जो हमने वेजिटेबल में प्याज ली थी, पहले हम प्याज ऐड करेंगे, इसके बाद हम कैरेट ऐड करेंगे और पूरे वेजीज हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे 5 to 10 मिनट्स तक। इसके बाद हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। वेजिटेबल्स को सॉफ्ट होने नहीं देना है, बस जस्ट ऐसे ही कुक करना है। इसके बाद हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, टोमेटो सॉस 2 टेबल स्पून। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे हम। मिक्स करने के बाद हम इसमें एग ऐड करेंगे, स्क्रम्बल एग्स। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नूडल्स ऐड करेंगे। नूडल्स ऐड करने से पहले आप इसे टेस्ट कर लें, अगर इसमें नमक और मिर्ची कम है तो आप इसमें नमक और मिर्ची और ऐड कर लीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। नूडल्स ऐड करने के बाद ऐसे ही 2 स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए चलिए अब हम इसे सर्व करेंगे गरम गरम, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ओके, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और जिसने भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया।